मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 1 जुलाई से स्थानांतरणों पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के 6 पदों को 2 वर्ष के लिए करने का निर्णय लिया गया है। कोविड महामारी के कारण रेत समूह के ठेकेदारों को आ रही वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश के अंदर सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के सफल क्रियान्वयन पर आप सबको, प्रदेश की जनता, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संस्थाओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें पर्याप्त डोज उपलब्ध कराए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को अपने हाथों में लिया है, तब से राज्यों को वैक्सीन के डोज सुलभता से उपलब्ध हो रहे हैं। वैक्सीनेशन जिंदगी है, हम जिंदगी के डोज लगा रहे हैं, इससे बड़ा कुछ और काम नहीं हो सकता। अभियान के प्रथम दिन 16,95,000 डोज प्रदेश में लगाए गए हैं। अपना लक्ष्य यह है कि कोविड की तीसरी लहर आने के पहले हम अपनी अधिकांश जनता को पूरी तरह वैक्सीन लगा के, जो पात्र जनता है, वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी सुरक्षित करें। जिंदगी को सुरक्षित रखने का अभियान है और जिंदगी का ही टीका है। तो हमारे यहां लगातार वैक्सीनेशन के जो दिन है, जो कि मंगलवार को छोड़ते बाकी टीका लगते हैं मंगलवार को बच्चों की, और बाकी टीका बाकी दिनों में हम जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरी ताकत से हम चलाएंगे। और आज शाम को मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज की फिर बैठक बुलाई है, जिले की 7 बजे, पंचायतों की, नीचे की जनता को जोड़ने से चमत्कार संभव है, काम संभव है। तो सबको जोड़ रहे हैं इस काम में, सब लोगों को जोड़ रहे हैं, तब विस्तार से हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम मंत्रीगण जब बैठे थे और विचार विमर्श किया था, सिल्वर में मंथन किया था, अब 1-2-3 जुलाई को अपने अभियान चलाने का फैसला किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से स्थानांतरणों पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर, मानवीय आधार पर, सावधानी के साथ यह प्रतिबंध हटेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 6 पदों को 2 वर्षों के लिए करने का निर्णय लिया गया है। कोविड महामारी के कारण से रेत समूह के ठेकेदारों को आ रही वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में यह विद्यालय उपलब्ध होगा। 1 जुलाई से स्थानांतरणों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर, मानवीय आधार पर, सावधानी के साथ में ये स्थानांतरण पर से प्रतिबंध 1 जुलाई से हटेगा। आज कैबिनेट के निर्णयों में भारतीय पुलिस महानिरीक्षक के 6 पदों को एबियंस में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की 6 पदों को 2 वर्ष के लिए करने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में जिला अभियोजकों के 33 नवीन पदों का 33 को समर्पण करके सहायक जिला अभियोजन के आज निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कोविड महामारी के कारण से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, उसमें रेत समूह के जो ठेकेदार हैं उनको आज नई, जो हमारे मंत्रिपरिषद में निर्णय आया था, जो वैधानिक कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर करने का आज कैबिनेट ने तय किया है कि बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहां भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो कि प्रदेश की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा, हमारे प्रदेश के अंदर सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना करने के लिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। शिक्षा के स्तर को जैसा सरकार की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, और गुणात्मक सुधार की दृष्टि से प्रदेश में 9,200 विद्यालयों को आगामी आने वाले 3 साल में खोलने का तय किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।